Hello students, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक का बेसिक्स कर लिया है। एक्सरसाइज 1 में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक्सरसाइज 1 में हमने किया टाइप ऑफ सेट और उनका किस तरह से यूज करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमने किया सबसेट के बारे में, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, पावर सेट के बारे में पढ़ा। थर्ड एक्सरसाइज में हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। ऑपरेशंस क्या क्या थे? इंटरसेक्शन था, यूनियन, डिफरेंस ऑफ सेट था, डिसजॉइंट सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। उसके बाद में जो फोर्थ एक्सरसाइज में हमने पढ़ा वो थ्योरम्स के बारे में पढ़ा। इस अगर इस चैप्टर की बात करें, वैसे फिफ्थ एक्सरसाइज सबसे आसान एक्सरसाइज है और फिफ्थ एक्सरसाइज ही नहीं, पूरा चैप्टर ही है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अल्जेब्रिक मेथड कंडीशन ये है और अगर अल्जेब्रिक मेथड समझ में आ जाता है तो अल्जेब्रिक मेथड का समझने के बाद ईजी है। अल्जेब्रिक मेथड समझने के बाद ईजी है। वैसे तो आपको अगर वैसे देखेंगे आपका बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझने के बाद वो भी ईजी है। तो इसके अंदर सभी एक्सरसाइज वैसे भी ईजी है, पहले से बता रहा हूँ मैं। जो आपका थर्ड और फिफ्थ एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऐसा भी कोई भी आपका टेस्ट हो, चाहे वो आपका और किसी भी लेवल में, किसी भी कंपटीशन में कोई भी टेस्ट हो रहा हो आपका, चाहे वो आप IIT तक में सेट से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यहाँ तक कि NDA में भी पूछा जाता है। और NDA और IIT ये अलग लेवल होता है, इसके अलावा आपका स्कूल में कोई भी नीट टेस्ट हो रहा है और उसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन होगा। अगर आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है तो भी इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन होगा और वो भी अच्छे मार्क्स का, 4, 5, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से समझेंगे और इनको ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट। अब क्या आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे जैसे कोई भी स्ट्रीट में या विलेज में या कोई पर्टिकुलर जगह पे, लोकेशन पे, लोकलिटी में सर्वे करके अखबार का जिक्र कर सकते हो, या आप किसी खिलाड़ी को जिक्र कर सकते हो स्पोर्ट्स खेलने वाले, या फिर आप किसी और चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे लैंग्वेज बोल लिया हमने, मान लिया कि लोकलिटी में, एक सेट की लोकलिटी में हमने सर्वे किया और हमने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग थे हिंदी बोलने वाले, कुछ लोग थे इंग्लिश बोलने वाले, कुछ लोग थे बंगाली बोलने वाले। अब हिंदी इंग्लिश बंगाली ऐसा तो है ही नहीं कि कोई एक पर्सन है वो सिर्फ हो सकता है एक आध पर्सन हो सिर्फ हिंदी बोलता हो, लेकिन सभी के सभी जैसे 50 लोग हिंदी बोलने वाले हैं तो उनको हो सकता है कि इंग्लिश आते हो, कुछ हो सकता है कि आपके लोग बंगाली भी आते हो। तो वहाँ पर क्या लगता है, सेट शुरू हो जाता है। जैसे अगर हमें सभी लोग निकाल लें, 50 लोग हिंदी बोलने वाले हैं, 40 लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं और 10 जो पीपल्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे हो गया सेक्शन, हो गया क्या हिंदी एंड इंग्लिश मतलब इंटरसेक्शन। तो हमें टोटल निकालना होगा यूनियन, तो 50 और 40 90 ही होंगे, टोटल कितने होंगे आपके 80 होंगे, क्योंकि आपका 10 ऐसे पीपल हैं इसके अंदर जो इंग्लिश बोलते हैं और 10 इसके अंदर ऐसे जो आपका क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हम एप्लीकेशन को एप्लीकेशन मानते हैं इसकी सेट्स के दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको, अल्जेब्रिकली और वैन डायग्राम से। और आपको कोशिश करनी है अल्जेब्रिकली करने की, जब तक आपको ये अंदर निकाल है कि फ्रॉम वैन डायग्राम फाइंड द जिस सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम वैन डायग्राम, तब तक आपको क्या कोशिश करनी है, किससे करनी है, आपको अल्जेब्रिकली करनी है, फार्मूला बना के उस क्वेश्चन का फिर आपको सॉल्व करना है, दोनों से बात आपको कैसे करना। आपने मान लीजिए कोई लोकलिटी, कोई भी एक सी है लोकलिटी है, तो उसके अंदर ये है हिंदी बोलने वाले, ये है इंग्लिश बोलने वाले, ये है हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी वाले हैं 50, इंग्लिश वाले हैं 40, हिंदी एंड इंग्लिश वाले हैं 10। क्लियर है डायग्राम से? तो अब यहाँ पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल। अब देखो ये क्या होगा, टोटल पीपल निकालना है 50 + 40 90, लेकिन ये चीज़ क्या आ चुका है 2 times आ सके, तो इसलिए ये जो रीज़न है ये रीज़न चाहे यूनियन के लिए है, लेकिन आ गया इसके लिए ठीक है, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं।
चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन की, यूनियन की, ए माइनस बी की, बी माइनस ए की, इससे वैन डायग्राम बन सकते। अब इसको देखो अलजेब्रिकली कैसे करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ना सेट के अंदर एलिमेंट ना देखे, नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, तो हम सेट के साथ में जो कॉलिनियर नंबर के अंदर यूज कर रहे थे एन ऑफ ए एन ऑफ बी वो यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे लेट ए बी द सेट, ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड लेट अस सपोज दैट बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, सो यहाँ से हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, 50 है, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 50 है, सो वी विल राइट एज एन ऑफ ए। व्हाई वी आर रिटन एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 50, ए के अंदर बोलने हिंदी बोलने वाले लोग थे ए सेट के अंदर, और वो हमारे कितने थे 50 थे, तो इसलिए हमने लिखा क्या एन ऑफ ए इज इक्वल टू 50 और क्या सकते हैं एन ऑफ बी इज इक्वल टू 10 in the English form. So we will write it as it is and of A intersection B is equal to 10. And what does it mean? A intersection B. A and B. A and B in the end English. So they are 10. So ये तो आपको क्वेश्चन को फॉर्म करने का मेथड हो गया। अब इसमें अल्जेब्रिकली क्या लगेगा, इसके अंदर एक रिलेशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट इन देयर। So you got, I think, formula क्या n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. So here we can put the value of n of a, n of b, and n of a intersection b, and we will get the value of n of a union b. So आप इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में अगर इसी फार्मूले के अंदर देखें, अगर हम b की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका n of a union b is n of a intersection b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection union b हो जाएगा। अब मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या देगा वो कि टोटल पीपल है वहाँ पे कितने, 80 हिंदी बोलने वाले कितने 50 और इंग्लिश बोलने वाले कितने 40, देन फाइंड द पीपल हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, सो 50 प्लस 40 माइनस 80 10 इंटरसेक्शन आ जाएगा इस तरह से, तो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट पढ़ के अच्छे से देखना, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, इन फार्मूलों का यूज अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट को समझ के और वहाँ पे आपको देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, और वो आप फाइंड आउट करेंगे। और जब जब आप फार्मूले करने के लिए उसको अल्जेब्रिकली करने के लिए क्वेश्चंस को आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पहले वेन डायग्राम से जो चीज पूछी है ना उनको लिख के और उसको फार्मूलेट कर सकते हैं। पहले फार्मूला बनाइए, उसके बाद उसको फार्मूला बनाने के बाद आपका जो क्वेश्चन को कैसे सोल्व होना शुरू हो जाएगा, अल्जेब्रिकली सोल्व होना शुरू हो जाएगा, और उसको फिर आप सोल्व करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा, तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, इनको करना आपको अच्छे से, और देखते हैं कि कुछ और आपकी आइडेंटिटी मिलते हैं यहाँ पे इसमें वेन डायग्राम के अंदर। दो दो भी चीज़ें हो सकती हैं, उनका उनके लिए क्या लिखा सकता है, यहाँ पे लिखा सकता है टोटल पीपल निकालिए, ए एन बी निकालना है, और आ सकता है आपका ए एंड बी, जैसे कहे कि किसी स्कूल में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर दे दिए, केमिस्ट्री टीचर दे दिए, और ये कह दिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वाले हैं टीचर, टोटल टीचर बताइए एंड दे रखे हैं, इसको हम लोग इंटरसेक्शन, वैसे इंटरसेक्शन फिजिक्स के साथ में मैथ का लगता है, फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स और मैथ कॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स
मोस्ट ऑफ ये जरूरी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज अ मैथ कॉम्बिनेशन एंड केमिस्ट्री एंड बायो का कॉम्बिनेशन होता है तो इस तरह से हो सकता है। तो इसके अलावा यही है ये पूछे कि ओनली फिजिक्स हु टीच आपको फिजिक्स और मैथ एक पूरे विषय में फिजिक्स और मैथ का जिक्र किया है तो आपको अगर ये कहे कि फिजिक्स क्वेश्चन स्टेटमेंट के हिसाब से देखें आपको क्या है ये लोगों को सब लिख लेंगे आपको ये कहें कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले पाए या फिजिक्स पढ़ाने वाले पाए तो अनऑफ ई होगा मैथ पढ़ाने वाले पाए अनऑफ एम होगा मैथ एंड फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले अनऑफ पी क्रिटिकल सेक्शन एम होगा मैथ एंड फिजिक्स पढ़ाने वाले फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ होगा टोटल पेपर फुटीज फिजिक्स और मैथ्स ठीक है एंड ये है ओनली हु टीच ओनली फिजिक्स हु टीच ओनली फिजिक्स बट नॉट मैथ एंड नॉट पी माइनस एंड नॉट पी माइनस एम एंड हु टीच मैथ ओनली एंड नॉट एम माइनस पी गॉट इट निकाल से कैसे इनको वही सेट वाला रिलेशन यूज हो जाएगा यहाँ पे जैसे हमें ए माइनस बी था वो किसके बारे में बताया था ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट पी इंटरसेक्शन एम ठीक है कहीं पे आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले और फिजिक्स पढ़ाने वाले देखे और फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले भी पूछ सकता है तो ये आपको निकालने आने चाहिए इस तरह से आपको कर लेना है ठीक है जैसे कहें कि कॉफी बट नॉट टी टी बट नॉट कॉफी तो हम क्या करेंगे माइनस वाला ए माइनस बी मतलब सी माइनस टी टी माइनस सी टी माइनस सी टी बट नॉट कॉफी सी माइनस टी कॉफी बट नॉट टी सी यूनियन टी कॉफी और टी टोटल एंड सी इंटरसेक्शन टी कॉफी एंड टी एंड और बट नॉट ओके या फिर हु डिड नॉट इस तरह से कोई वर्ड देखे तो उनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कोई अच्छा सा बुक्स एक एग्जांपल बुक से लेते हैं वैसे एग्जांपल लिए जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो जूस भी पीते हैं वो निकालते हैं तो क्या करेंगे
जूस पीने वाले निकाल लेंगे और उनको टोटल स्टूडेंट नंबर से माइनस कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा लेकिन प्रिंसिपल कौन सा लगता है, यूनिवर्सल में से ए यूनिट बी माइनस करना, यूनिवर्सल में से ए यूनिट बी माइनस करना। तो हमें निकालना है ना तो नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, तो क्या होगा क्या होगा नंबर ऑफ डोंट लाइक एप्पल जूस। सो पहले हम इस चीज की वजह से ये आपका इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ये क्या देगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये एन ऑफ ए है, ये एन ऑफ बी है जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हो जाएगा। तीनों चीजों की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ जाएगी और जो भी वैल्यू आएगी वो 400 में से क्या कर देंगे माइनस बच जाएंगे। वो इस हु डिड नॉट लाइक एप्पल और ऑरेंज जूस। सो इन क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज को करके देखेंगे, बड़ी इजी एक्सरसाइज है। पहले आप इसे एग्जांपल से कर लेंगे फिर आप इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ सेस। सो फैसेक्टर यहां पे हम कंप्लीट करते हैं, जो बेसिक्स था वो फैसेक्टर था। इसके अंदर आपका टोटल 5 एक्सरसाइज है, पांचों एक्सरसाइज को आपको अच्छे से समझ समझ के कर लेना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।